जमाते हैं उन वर्कर से बात करके इकट्ठा हो जाएं ताकि मरकजी सरकार को एक मैसेज दिया जाए कि आप जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह फौज का जमावड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह यहां से टूरिस्ट को और यात्रियों को निकाला गया, NIT के कॉलेज के स्टूडेंट्स को निकाला गया, तो लगता है कि कुछ होने वाला है। जिस तरह ये जो है एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया, आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया, लगता है कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से लोगों में काफी घबराहट है। और बदकिस्मती ये है कि मरकजी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है ताकि लोगों को तसली दी जाए, लोगों को तस्कीन दिया जाए, वहां से भी कोई सिग्नल ऐसा नहीं आ रहा है। बल्कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं, जो परेशान है, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। मैम, मेहबूबा जी, ये यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो उसमें आपका क्या रद्द अमल रहेगा? देखिए, अभी हम कोई किसी बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं कि क्या होने वाला है, तब तक इस तरह पेशेंट हुई पे मैं कोई कमेंट नहीं दे। मीटिंग आपकी हुई मैम, मेंस्ट्री पार्टी क्लूलेस, हेल्पलेस, लोग कह रहे हैं कि सेंटर में आपकी कोई टेकर्स नहीं है। अभी मेंस्ट्री पार्टी सेंटर्स की टेकर्स की हमें जरूरत नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के इकट्ठा करने की जरूरत है, जो मैं पिछले एक हफ्ते से कर रही हूँ। जब जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है हमारी स्पेशल पोजीशन को हाथ नहीं लगा। Thank you.